उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में नीलकमल ने लिया 1101 श्री हनुमान जी की मूर्ति स्थापना का संकल्प। आपको बताते चलें कि बरेली के थाना सुभाष नगर के अंतर्गत करगहना के रहने वाले नीलकमल पाठक के पिता सुभाष चंद्र पाठक, माता विनीता पाठक, श्री 1008 मधुसूदन चार्य महाराज देवचार स्वामी, जो कि 1101 हनुमान सिंदूरी मूर्ति का संकल्प लिया था। पिछले सन 2018 से इस संकल्प को चला रहे हैं। अब तक 6 मार्च 2022 तक 38 मूर्ति स्थापना हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि लक्ष्य 16 अप्रैल 2022 हनुमान जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 46 तक कराना है। नीलकमल पाठक कहते हैं कि संस्था उसने इस संकल्प को अपने रिकॉर्ड में शामिल किया है, क्योंकि पाठक ने अपना रिकॉर्ड तोड़ 2021 में 9 स्थापना कराई थी, वहीं इस साल 12 करा रहे हैं हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हुए। संवाददाता दुष्यंदर सिंह व चंदू शर्मा, नीलकमल पाठक आदि लोग मौजूद रहे। दुष्यंदर सिंह की एक रिपोर्ट। नीलकमल पाठक जी, जो आप सेवा में लगे हुए हैं बजरंग बली की, ये लक्ष्य आपने कब लिया और कितनी मूर्तियों का लिया है? जी, ये 2018 में 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प मैंने लिया था जी। इसके अंतर्गत विभिन्न पूजनीय देव स्थान जैसे कि मंदिरों में जी, संपूर्ण भारत के साथ साथ आने वाले समय में हम विदेशों में भी जो है बाबा की, हनुमान जी महाराज की 2 फुट के सिंदूरी विग्रहों की स्थापना करवाएंगे जी। अब तक जो है 2018 में हनुमान जी के जन्मदिन में विशेष एक साथ 3 स्थापनाएं कराई थी अलग अलग स्थानों पे। 2019 में एक साथ 6 स्थापनाएं कराई थी जी। 2020 में लॉकडाउन था, इसीलिए पिछले साल 2021 में एक साथ 9 अलग अलग स्थानों पे स्थापनाएं कराई थी। तो 3, 6, 9 के बाद इस साल 2022 में 16 अप्रैल का जन्मदिन है हनुमान जी का, इसके उपलक्ष्य में एक साथ अलग अलग 12 स्थानों पे हनुमान जी की स्थापनाएं करा रहा हूं, जिसमें 4 स्थापनाएं हो चुकी हैं, 8 अभी बाकी हैं, जो कि 16 अप्रैल से पहले हम बाबा के मंदिरों में स्थापित करवा देंगे। सर, ये आप जो स्थापना करा रहे हैं, स्थापना करा के यहाँ समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत ही कम शब्दों में ये बात कहना चाहूंगा कि जो भी आपके पास प्राप्त है वही पर्याप्त है जी। अगर आप सनातनी हैं जी, इट डजंट मैटर कि आप किस जाति के हैं जी, हमारे लिए यही काफी है कि आप अपने भगवान के सगे हों तो आप हमारे सगे हैं जी। और जब सनातन धर्मी धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं जी, तो ऐसा कौन सा काम है जो 33 कोटि देवी देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान जी ये नहीं कर पा रहे हैं, जो हमें अन्य जगहों पर भटकने के लिए हम लोग मजबूर हैं। तो हम लोग अपनी अपनी पावर पहचाने, ताकि जो है वास्तव में जो भारत जिस तरह से विश्व गुरु रहा है, आने वाले समय में हमारे स्वामी विवेकानंद जी की तरह भी हम लोग उसी परचम को, उसी ध्वजा को उसी तरह से लहरा सकें पूरे वर्ल्ड में, जिस तरह से श्री माननीय नरेंद्र मोदी भी लहरा रहे हैं, ताकि भारत को वास्तव में विश्वगुरु बनने से दोबारा कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो सर, आप ये संस्था बरेली में चला रहे हैं, स्थापना बरेली में कराते हैं या बाहर भी अन्य जिलों में कराते हैं? अगर कोई भी हमारा सनातनी भाई भारत के किसी भी कोने में बैठा है, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, तो वह हमसे संपर्क कर सकता है। हमारी 3 शर्तें हैं हनुमान जी की स्थापना कराने की। पहली यह है कि हर मंदिर की तरह हनुमान जी की भी, हर भगवान की तरह सुबह शाम आरती हो। दूसरी यह है कि मंगल शनिवार सिंदूर चढ़े, क्योंकि चोला वाले हनुमान जी हैं। तीसरा यह है कि जगह विवादित ना हो। अगर 3 शर्तें हमारा सनातनी भाई पूरी करता है, चाहे उसके बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे उसकी शादी की सालगिरह हो, या माता पिता की लंबी उम्र के लिए, हमें 2-4-6 महीने पहले वह डेट नोट करा दें, आपके अपनों के लिए हमारी तरफ से हनुमान जी की स्थापना करवाई जाएगी।